కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో మరణించిన వారి కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు వస్తే తనను జైల్లో పెడతారా? అయితే జైల్లో ఉండేందుకు నేను సిద్ధం, నేను బెయిల్ కోసం నయా పైసా కూడా చెల్లించను అంటూ ప్రియాంక గాంధీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సోన్భద్ర జిల్లాలోని సఫాహి గ్రామంలో పోలీసుల కాల్పుల్లో మరణించిన వారి కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు వస్తే తనను యూపీ సర్కార్ జైలుకు పంపిస్తుందా అని ప్రియాంక ప్రశ్నించారు. సోన్భద్ర జిల్లాలో 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటే తాను దాన్ని ఉల్లంఘించానని, తామిద్దరమే వెళ్లి వారిని పరామర్శిస్తామని ప్రియాంక స్పష్టం చేశారు. తాను బాధితులను కలవకుండా 7 గంటల పాటు నిర్బంధించారని ఆమె ఆరోపించారు. వారణాసి మీర్జాపూర్ సరిహద్దులో పోలీసులు ప్రియాంక గాంధీని అడ్డుకోవడంతో ఆమె అక్కడే ధర్నాకు దిగారు. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని చునార్ గెస్ట్ హౌస్ కు తరలించారు. उसी समय मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि 144 का उल्लंघन है, उसका उल्लंघन करने के बिना मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के 2 लोगों को लेके जा सकती हूँ, नहीं तो कहीं पे जहाँ भी आप कहें, चाहे मिर्ज़ापुर में, चाहे सोनभद्र में, चाहे बनारस में, जहीं जहाँ भी आप कहें मुझसे मिलवा लीजिए। मेरा मकसद यहाँ आने का ये था कि मैं मिल लूँ, मैं जब मिलूँगी तो मैं चली जाऊँगी। कल रात को भी उन्होंने यही दोहराया कि आप चले जाइए, यहाँ पे ऐसा नहीं करिए। एक घंटे के लिए मैं इससे बात की, मैंने फिर यही दोहराया कि मैं परिवार के सदस्यों से मिलने के बिना यहाँ से नहीं। जिस समय उन्होंने मुझे रोका, मैंने उनसे कहा मैं 144 का उल्लंघन नहीं करना चाहती, अगर आप कह रहे हैं कि सोनभद्र में 144 है तो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाइए मिलने के लिए, या फिर मुझे बताइए कहीं और मैं मिल लेती हूँ, आप इंतज़ाम कर लीजिए। उन्होंने मना किया। मैंने कहा देखिए मिर्ज़ापुर में 144 है नहीं, फिर आप मुझे मिर्ज़ापुर में जाने से क्यों रोक रहे हैं? उसका कोई आधार दिखाइए, कोई कानूनी आधार दिखाइए, कोई कागज़ तो दिखाइए, कोई ऑर्डर होगा। उन्होंने कहा फ़ोन पे ऑर्डर है। उन्होंने कोई कागज़ नहीं दिखाया, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ऑर्डर दिखाया जो 144 का सोनभद्र का ऑर्डर। तो मैं ये पीड़ित परिवार के रिश्तेदार आए हैं गाँव से मेरे से मिलने, ये 2 जने हैं, इनको आने दिया है, बाकी 15 जने वहाँ हैं, मेरे से मिलने आए हैं। पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिनसे मैं मिलने आई थी वो मेरे से मिलने आए हैं, उनको भी गेट पे रोका जा रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे रोकने के लिए, अब मुझे रोका जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि उनको आने दीजिए, वो इतनी कष्ट में यहाँ आए हैं, कम से कम मेरे से मिलने तो दीजिए। मैम क्यों प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान जाने उनकी क्या मानसिकता है। इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, नरसंहार हुआ है, लोगों की हत्या की गई है, इनके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई है और इनको रोका जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता आते जा रहे हैं कल से, उनको नहीं रोका। इन्होंने कौन सा अपराध किया भाई कि इनको रोका जा रहा है? लाया प्रशासन या स्वयं आया? मुझे नहीं मालूम, ये अब स्वयं आए हैं कि वो स्वयं आए हैं, स्वयं मिलने के लिए आए हैं। दोनों लोग ये रहे, आप लोग बताइए, नाम बताइए अपना। आप लोग भोरावल से? सर भोरावल से मिलने आए हैं? हाँ, नहीं मिलने नहीं, वहाँ वो भाष होकर आए हैं, रोक दिया है ना? हाँ रोक दिया गया है सर। आप लोग अपने से मिलने आए? नहीं, प्रशासन, हम लोग प्रशासन लेकर यहाँ से आए, बस हम लोग आए, वो लोग के कुल छोड़ दिए हैं सर, वही है। अपने से मिलने के लिए हम लोग अपने से मिलकर अपना सवारी गाड़ी से आए हैं, टेम्पो से आए हैं सर। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग 15 आदमी आए हैं सर। कहाँ प्रशासन कहाँ रोक रहा है आप लोग? रोक रहे हैं सर, वहाँ है, वहाँ है, महिला भी आए हैं, महिलाएं भी हैं। मैं प्रशासन की मानसिकता तो बिल्कुल नहीं समझती। प्रशासन को इनकी रखवाली करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। जब इनके साथ हादसा हो रहा था तब मदद करनी चाहिए थी, कुछ नहीं किया। अब ये यहाँ तक आए हैं मेरे से मिलने, आने भी नहीं दे रहे हैं, तो प्रशासन की मानसिकता मेरे समझ से बाहर है। ये दो लोग तो आए।